बंधु माने आजिरो एही वीडियो रे आपण मानको पाई एक सुंदर विषय वस्तु अछि। आजिरो एही वीडियो रे आमे माने आलोचना करबा कार्तिक मास रे मां तुलसींकु किपरि पूजा करबा उचित। कार्तिक मास रे मां तुलसींकु पूजा करिवार कोन सब विधि रहिछि, कारण कार्तिक मास रे मां तुलसींकु पूजा करिवार एक विशेष महत्व रहिथाए, कारण जहाद्वारा आपणको पूरा कार्तिक मासर पुण्य फल प्राप्ति होइपारिबो। एहा व्यतीत आमे जानिबा कार्तिक मासरे तुलसी तोळीबा उचित ना अनुचित, कारण अनेकंकर मत रहिछि जे कार्तिक मासरे तुलसी तोळा जाय न थाए, तो एही विषयरे मध्य आलोचना करिबा। तो सेथिपाय आपण माने भिडियोटिकु स्किप नकरि शेष पर्यंत निश्चय देखन्तु, तेबे ता पूर्वरु भिडियोटिकु लाइक करि चैनलटिकु सब्सक्राइब करि दियन्तु एवं भक्तिर सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखन्तु। बंधु माने कार्तिक मासरे तुलसी पूजा बा वृंदावती पूजा करिवार बहुत अधिक महत्व रहिछि, एवं कार्तिक मास कहिले आम मन को मध्य प्रवेश करि आसिथाय सूर्य पूजा करिबा, प्रभु श्री विष्णुंकर पूजा करिबा, माता वृंदावतींकर पूजन करिबा, अँला वृक्ष को पूजन करिबा, तेणु तुलसी पूजार महत्व एही कार्तिक मासरे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाय। तेणु तुलसी पूजार महात्म्य को प्रतिपादन करबाकु जाय शास्त्र कहंती तुलसी दारुमूलेषु पुण्य देशेषु पुण्यदम अधिष्ठानाच तीर्थनाम सर्वमैच भविष्यते, अर्थात माता वृंदावतींकर मूल प्रदेश रे समस्त तीर्थ मानंकर निवास होइथाय। भारत वर्षरे जेते सब पुण्य तीर्थ नदी रहिछंती सेही समस्त तीर्थस्थल एवं तीर्थ नदी तुलसी मूल रे बास करिथांती। एहा सहित शास्त्र रे वर्णना अछि जे मां तुलसींकर मूल प्रदेश रे ब्रह्मांकर निवास मध्य होइथाय, मध्य प्रदेश रे विश्वपालक श्री विष्णुंकर निवास होइथाय एवं तुलसी मंजरी रे प्रभु श्री सदाशिव निवास करिथांती। तेणु तुलसी वृक्ष सब बेले पवित्र अटंती। एही कार्तिक मासरे तुलसी पूजा करिबा बा वृंदावतींकु पूजा करिबा निहाती आवश्यक होइथाए। तुलसी मूलरे जल अर्पण करिबा पूर्वरु आपण मां तुलसींकु प्रणाम करिबा अति आवश्यक होइथाए। प्रणाम करिबा पई शास्त्र मतरे मंत्रटी हेउछि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हराम नित्य तुलसी तोम नमस्तुते। एही मंत्र को उच्चारण करि आपण प्रथमे मां वृंदावतींकु प्रणाम करंतु, एहा परे आपण मां वृंदावतींकु जल अर्पण करंतु एवं जल अर्पण करबा समय आपण मने रखिबा उचित जे आपण जेतेबेले मां तुलसींकु जल अर्पण करुछंती सेतेबेले आपणकर मुख जेपरि पूर्व किंबा उत्तर दिगकु रहे। जेतेबेले आपण मां तुलसी किंबा वृंदावतींकु जल समर्पण करुछंती आपण पूर्वाभिमुखी होई किंबा उत्तराभिमुखी होई जल समर्पण करंतु, कारण शास्त्र मतरे मां तुलसींकु पूर्वाभिमुखी होई किंबा उत्तराभिमुखी ही जल समर्पण करिवार विधि रहिछि। तेबे मां वृंदावतींकु जल समर्पण करिवा समय आपण केउ मंत्रर उच्चारण करिवा उचित, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावनी स्वाहा एही मंत्र को उच्चारण करी आपण मां तुलसींकु जल अर्पण करंतु। एहा हेउछि मां तुलसींकर दशाक्षर मंत्र, दशटी अक्षर को नहीं एही मंत्र, तो मंत्रटी आपण मने रखंतु श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावनी स्वाहा। एही दशाक्षर मंत्र को जप करि सारिबा परे आपण मां वृंदावतींकर नामाष्टक स्तोत्र आपण निश्चित भावरे जप करंतु। तेबे नामाष्टक स्तोत्रटी आपण मने रखंतु वृंदा बुंदा बनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी, आउ थरे कहुछि मने रखंतु वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एहा हेउछि मां वृंदावतींकर नामाष्टक स्तोत्र, आपण एही नामाष्टक स्तोत्र को जप करि मां वृंदावतींकु जल समर्पण करि पारिबे। जल समर्पण करि सारिबा परे मां वृंदावतींकु आपण सिंदूर लागि कराइबे, सिंदूर लागि कराइ सारिबा परे आपण मां तुलसींकु चंदन लागि करंतु। एहा परे आपण मां वृंदावतींकु पुष्प अर्पण करंतु। एहा परे आपण मां तुलसींकु धूप समर्पण करंतु।
एवं माँ तुलसी मूल में दीप प्रज्वलन करिबे। जेतेबेले आपण माँ वृंदावती को दीप समर्पण करिबे, मने रखंतु दीपर मुखटी जेपरी उत्तर किंबा पूर्व दिगकु रहे सेथिप्रति ध्यान देबे। आपण जेतेबेले दीप स्थापन करिबे, दीप को सीधा सळक केबे भी भूमि उपरे रखिबे नाही, कोनोसी आसन उपरे दीप को स्थान देबे। आसन अर्थात दीप तले आपण अक्षत रखि पारंती, मुरुज पकाई पारंती, किंबा कोनोसी पत्र उपरे आपण दीप को रखिकि दीप जळांतु, कारण बिना आसन रे दीप कदापि भी जळा जाय नथाय। एहा द्वारा दीप जळाइबार कोनोसी भी पुण्य फल आपणको प्राप्ति होइ नथाय। तो एहिपरि भावरे आपण माँ तुलसीको दीप समर्पण करिबे, एवं दीप समर्पण करिसारिबा परे आपण माँ तुलसीको नैवेद्य अर्पण करिबे। एहिभळि भावरे आपण कार्तिक मासरे पञ्चोपचाररे माँ वृंदावतीको पूजा करिबे। एबे आसन्तु जानिबा आपण माँ वृंदावतीको जल समर्पण किपरि करिबे। प्रथमरु त मु आपणको कहिसारिछि जे आपण माँ तुलसीको पूर्वाभिमुखी होई किंबा उत्तराभिमुखी होई जल अर्पण करिबे। तेबे जल समर्पण करिबार कौन रहिछि विधि, केमिति आमे माँ वृंदावतीको जल समर्पण करिबा? शास्त्र मतरे पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, अर्थात पाद देशरे आपण जल समर्पण करिबा उचित। माता वृंदावतीकर पाद अर्थात तुलसीर मूलरे आपण जल समर्पण करिबा उचित। तेणु आपण जेतेबेले जल समर्पण करिबे, माता भगवती माँ वृंदावतीकर मूलरे ही जल समर्पण करिबे, कारण शास्त्र रे उल्लेख रहिछि जे माँ तुलसीकर मूलरे समस्त तीर्थ मानकर निवास होइथाय। तेणु आपण जेतेबेले माँ वृंदावतीको जल समर्पण करिबे, तो प्रथमे मूलरु ही जल समर्पण करिबे। जेतेबेले आपण माँ वृंदावतीको जल समर्पण करिबे, तो तुलसी गछ मूलरे आपण गोटिए छोट गिना रखि देइथिबे। प्रथमे माँ वृंदावतीकर मूलरे जल समर्पण करिबे। तीन थर जल समर्पण करिसारिबा परे गोटिए जलधारा आपण मूल प्रदेशरु अग्रभाग पर्यंत देबे। आपण हातरे गड़ू बा ढाळ धरिथिबे, तो आपण मूलरु जलधारा देइ देइ तुलसी गछर अग्रभाग पर्यंत जल अर्पण करिबे। तुलसीर अग्रभागरे जेतेबेले जल लागि हेबो, सेतेबेले सेही जल तुलसी पत्ररे लागि होई आपण तळे रखिथिबा गिनारे पडिबो। एवं जेतेबेले आपण माँ वृंदावतीकर समस्त पूजा कार्य समापन करिसारिबे, तापरे तुलसी पत्ररे लागि होइथिबा जेउ जल आपणक सेही मूलरे रखिथिबा गिनारे थिबो, ताहाकु आपण माँ वृंदावतीकर चरणामृत मने करि आपण ताकु सेवन करिबे। ता द्वारा आमर जाणतरे किंबा अजाणतरे जदि आम द्वारा किछि पाप होइथिबो, तेबे सेही पापरु आमको मुक्ति मिलिबो। तो एहा थिला कार्तिक मासरे माँ वृंदावतीकर पूजा करिबार विधि विधान। एबे आसन्तु जानिबा आमे कार्तिक मासरे तुलसी चयन करिबा ना नाही। तो जदि आमे कार्तिक मासरे तुलसी चयन करिबा नाही, तो कार्तिक मासरे आमे श्री विष्णुंकर पूजा किपरि करिबा, किपरि आमे श्री विष्णुंकु तुलसी समर्पण करिबा? तो कार्तिक मासरे जदि आमे पांचटी द्रव्यरे श्री हरिंकु पूजा करुछे, तो वर्ष सारा आमको एहार पुण्य फल मिलिथाय। तो एही पांचटी द्रव्य मध्यरे तुलसी पत्र अन्यतम अटे। तो जदि आमे कार्तिक मासरे तुलसी चयन न करिबा, तो प्रभु श्री हरिंकु आमे किपरि तुलसी समर्पण करिबा? तो शास्त्र मतरे 11 रात्रि पर्यंत तुलसी बासी होइ नथाय। तो एही तुलसी को आपण 11 दिन पर्यंत घरे रखी पूजा करिपारिबे। तो 11 दिन परे पुणि तुलसी केउठु आणिबा? जदि आमे तुलसी पत्र चयन न करिबा, तेबे कार्तिक मासरे आमे श्री विष्णु को कोण समर्पण करिबा? तो एहा हेउछि संपूर्ण भ्रांत धारणा। कार्तिक मासरे मध्य आमे तुलसी चयन करिपारिबा। तो बंधु माने आपण माने जानंती एकादशी एवं रविवार रे तुलसी गछरे जल अर्पण करा जाय नाही किबा तुलसी चयन करा जाय नाही। तो एही सब समय को बाद दे आपण अन्य समय रे तुलसी तोळी पारिबे। तो बंधु माने एहा थिला कार्तिक मासरे तुलसी पूजा करिबार किछि विधि विधान एवं नियम, एवं तुलसी पत्र आपण कार्तिक मासरे तोळी पारिबे कि नाही ताहार म ता विषय रे मथ आपणको मु एही वीडियो रे कहिली। तो आपणको जदि एही वीडियो टी मोर भलो लागि थाय, तबे वीडियो टी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे, एवं भक्ति एवं श्रद्धा हृदय रे जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वृंदावती निश्चय लिखिबे।